make this up. Yeah, I think I lost my soul. I be gone out these drugs. White bitches doing coke. I don't got time to listen. Welcome to my new video with Nabil Bhai. First video Nabil Bhai ke saath dekhte hain kya karenge kya nahi. Mobile ke bare mein kya special kar rahe hain. Ha, kuch special kar rahe hain. और नवीन भाई की वीडियो में आप लोगों को पता है कुछ ना कुछ स्पेशल रहता है और कुछ ना कुछ नई चीजें देखने को मिलने वाली है. कीप इन टच. हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग. मेरा नबील है. मैं सेल बडी पे आया हूं क्योंकि इन्होंने मुझे इंडिया का पहला आईफोन 13 प्रो मैक्स जो है ये अरेंज करके दिया है खास आप लोगों के लिए, ताकि आप प्री बुक करने के पहले इसकी पूरी अनबॉक्सिंग देख लो और ये 12 प्रो मैक्स का किस तरीके से हमको कंपेयर करने मिलता है, क्या डिफरेंसेस दोनों में, क्योंकि मुझे जो है काफ़ी सिमिलर लग रहे हैं दोनों फोन्स. तो आपको यहाँ पे इस वीडियो के अंदर ना सिर्फ इसकी अनबॉक्सिंग करके बताऊंगा बल्कि 12 प्रो मैक्स से इसको कंपेयर करके बताऊंगा. थैंक यू सो मच सेलिब्रिटी स्टोर फॉर गिविंग अस दिस फोन फॉर अनबॉक्सिंग फॉर आर ऑडियंस. आप लोगों के लिए इन्होंने ये चीज़ किया है, सो शो देम सम लव. उनका डिस्क्रिप्शन में जो है इंस्टाग्राम का आईडी दिया हुआ है. तो चलिए दोस्तों इस फोन को करते हैं अनबॉक्स. तो ये दोस्तों iPhone 13 Pro Max का बॉक्स. मैंने यहाँ पे iPhone 12 Pro Max गोल्ड कलर में इसलिए रखा हुआ है ताकि आपको बताऊं कि दोनों में डिफरेंस क्या है. आप लोग बोलते हैं कि यही जो है 12 Pro Max को ही 13 Pro Max में बॉक्स में डाल के दिया एप्पल ने, कि हम लोग वो दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं है. आपको बता दूं यहाँ पे देखिए बॉक्स किस तरीके का आपको दिखता है यहाँ पे. और यहाँ पे जो है कोई भी प्लास्टिक एप्पल ने इस बार इसके ऊपर इस्तेमाल नहीं किया है टू सेव द एनवायरमेंट. और यहाँ पे जो है एक पेपर का टैब आता है जिसको पील करके आप जो है इसको अनबॉक्स कर देते हैं. बैक जो है किस तरीके का है बॉक्स का यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा. ये जो iPhone है 13 Pro Max दिस इज कैनेडियन वेरिएंट, तो ये कनाडा से जो है हमारे पास आया है. इसको अनबॉक्स करते हैं. बॉक्स के अंदर आपको मिलता है आईफोन 13 प्रो मैक्स कुछ इस तरीके से रखा हुआ. इसको एक सेकंड साइड में रखता हूँ, आपको दिखा देता हूँ बॉक्स के अंदर क्या है. ऑब्वियसली कुछ नहीं रहेगा सिवाय ये लाइटनिंग टू टाइप सी केबल के, और यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स है तो वो चीज़ तो कोई देखने वाली है नहीं. अब यहाँ पे दोस्तों फोन के ऊपर नजर डाल लीजिए किस तरीके का है. तो बिल्कुल भी एग्जैक्टली आईफोन 12 प्रो मैक्स का जो गोल्ड वाला वेरियंट है वैसा ही नजर आता है एक्सेप्ट फॉर दी कैमरा बम्प. यहाँ पे कैमरा आपको नजर आ रहा है दोनों में जो है किस तरीके का फर्क है. यहाँ पे iPhone 12 Pro Max से कितना बड़ा है iPhone 13 Pro Max के कैमराज यहाँ पे आपको साफ तौर पे जो है नजर आ रहे हैं. बाकी जो बॉडी है दोस्तों एग्जैक्टली सेम है. अगर अलग से इसको देखें आप यहाँ पे जो है कोई भी इसको जो है 12 Pro Max ही बोलेगा, लेकिन जब साथ में देखते हैं तो यहाँ पे समझ में आ जाता है दैट दिस इज 13 Pro Max और ये है 12 Pro Max. सामने का जिस तरीके का पेपर हमको नजर आता है लगा हुआ, कोई भी प्लास्टिक यहाँ पे नहीं है विच इज अ वेरी नाइस थिंग. यहाँ पे अगर हम साइड से देख लेते हैं दोनों फोन को साथ साथ देख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली सेम है. साइड में जो है वही वॉल्यूम रॉकर, वही जो है साइलेंट स्विच. बॉटम से भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है आपको लाइटनिंग पोर्ट वैसे ही देखने मिलता है, स्पीकर ग्रिल्स, माइक्रोफोन का ग्रिल. और यहाँ पे जो है राइट साइड पे भी आपको जो है एग्जैक्टली सारी चीज़ें सेम टू सेम नज़र आ रही है. अब यहाँ पे एक फ़र्क है मेरे 12 Pro Max में और इसमें, यहाँ पे मेरे 12 Pro Max पे जो है ये mmWave वाला एंटेना है जो कि USA वाले मॉडल में आपको देखने मिलता है. अब यहाँ पे सारी चीज़ें दोस्तों सेम है, लेकिन यहाँ पे अगर आप थिकनेस देखेंगे दोनों फोन्स की तो उसमें फ़र्क है 0.25 mm का फ़र्क यहाँ पे इसकी थिकनेस में है. तो यहाँ पे थिकनेस ज़्यादा है 13 Pro Max की 12 Pro Max के मुकाबले. और क्यों ऐसा है, क्योंकि यहाँ पे बैटरी बड़ी दी हुई है, इसलिए यहाँ पे 12-15 ग्राम जो है इसका वजन भी ज़्यादा है. दोनों फोन्स को हाथ में साइड बाय साइड अगर आप पकड़ेंगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंस जो है फील नहीं होगा, क्योंकि बहुत ही मिनिमम डिफरेंस है. तो चलिएगा इसका फर्स्ट बूट जो है आपके सामने करते हैं. ये अभी तक एक्टिवेटेड नहीं है तो आपके सामने ही मैं इसको टर्न ऑन कर देता हूँ. और यहाँ पे अपना 12 Pro Max तो ऑन ही है तो नॉच में जितना डिफरेंस है वो भी देख लेंगे. ओके गाइस, अपना iPhone 13 Pro Max जो है यहाँ पे सेटअप हो चुका है. यहाँ पे सबसे पहला जो डिफरेंस आपको देखने मिलेगा वो है यहाँ पे नॉच में. तो यहाँ पे नॉच में क्या फर्क है आपको अब जो है ठीक से समझ में आएगा. अब तक जो है फोटोज में आपको समझ में नहीं आता है क्योंकि साइड बाय साइड आपने अभी तक दोनों फोन्स को देखा नहीं है. अभी आपको जो है दोनों फोन साइड बाय साइड दिख रहे हैं और यहाँ पे नॉच में कितना डिफरेंस है आपको जो है यहाँ पे क्लियरली समझ में आ गया. अब यहाँ पे एप्पल ने क्या करना चाहिए था, ये जो नॉच को छोटा किया है तो यहाँ पे कम से कम इसका बैटरी परसेंटेज जो स्टैंड बाई मोड में रहता है स्क्रीन उसमें यहाँ पे नजर आना चाहिए था, लेकिन उसका सही इस्तेमाल जो ये स्क्रीन रियल एस्टेट एक्स्ट्रा मिला है वो यहाँ पे एप्पल ने नहीं किया है विच इज अ बैड थिंग. नॉच तो छोटा कर दिया गाइस, लेकिन यहाँ पे जो है बेजल थोड़ा मुझे मोटा लग रहा है, जबकि है नहीं, लेकिन नॉच का छोटा होने की वजह से बेजल का जो लुक है वो थोड़ा थिकर लग रहा है. iPhone 13 Pro Max और 12 Pro Max के अंदर जो दूसरा डिफरेंस है वो है रिफ्रेश रेट का. तो यहाँ पे स्क्रीन का जो रिफ्रेश रेट है गाइज वो जो है अब 120 हर्ट्ज तक यहाँ पे सपोर्टेड है, जबकि वहीं पे iPhone 12 Pro Max वगैरह जितने भी फोन्स हैं उनके ऊपर मैक्सिमम जो है 60 हर्ट्ज तक ही रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो iPhone 13 Pro Max का डिस्प्ले है वो ज्यादा आपको फ्लूइड लगता है क्योंकि यहाँ पे प्रोमोशन टेक्नोलॉजी है. दूसरी चीज यहाँ पे ये है गाइस, ना सिर्फ 120 हर्ट्ज तक जाता है बल्कि ये 10 हर्ट्ज तक भी जाता है. तो यहाँ पे अगर आप कोई भी एप्लीकेशन यूज करे हैं जहाँ पे उसको उतना हाई रिफ्रेश रेट की जरूरत नहीं है तो यहाँ पे आपको 10 हर्ट्ज से लेके जो है 120 हर्ट्ज के बीच में वो वेरी करेगा रिफ्रेश रेट, जिसकी वजह से पावर भी जो है आपका सेव होगा बैटरी का. डिस्प्ले में एक और चीज यहाँ पे चेंज की एप्पल ने वो है यहाँ पे जो है ब्राइटनेस. यहाँ पे जो टिपिकल कंडीशन है जैसे अभी यहाँ पे इस कमरे में हम बैठे हुए हैं तो यहाँ पे जो ब्राइटनेस है
वो मैक्सिमम जाती है 1000 निट्स तक, जो कि पहले जाती थी 800 निट्स तक। तो ये एक जो है यहाँ पे एडिशनल चीज़ एप्पल ने दिया है डिस्प्ले के अंदर। अगली जो चीज़ यहाँ पे नई आई है दोस्तों नई बड़ी बैटरी के साथ, वो ये है कि यहाँ पे नया चिपसेट है तो ज़्यादा एफिशिएंट है, ज़्यादा पावरफुल है A15 बायोनिक चिपसेट, और यहाँ पे 6GB का रैम है जैसे पहले 12 प्रो मैक्स वगैरह में भी था। तो यहाँ पे जो है आपको रैम मैनेजमेंट में कोई इशू नहीं आएगा क्योंकि iOS है, तो रैम मैनेजमेंट इसका जो है काफ़ी अच्छा होता है और पावरफुल चिपसेट दिया है जिसकी वजह से कैमरा में एडिशनल फीचर्स दिया। आप कैमरा के ऊपर आ जाते हैं तो यहाँ पे ट्रिपल कैमरा का सेटअप पीछे है, एक लाइडर स्कैनर है, तीनों कैमरा जो है वो 12 मेगापिक्सल के, फ्रंट फेसिंग कैमरा भी यहाँ पे 12 मेगापिक्सल का है जो एक ट्रू डेप्थ कैमरा सिस्टम के साथ आता है। अब यहाँ पे जो पीछे के कैमरास है इसमें जो टेलीफोटो जूम लेंस है ये अब 3x तक जूम इन कर सकता है, और यहाँ पे जो है पहले iPhone 12 Pro Max पे ये 2.5x तक जूम इन करता था। अब इसके अंदर जो टेलीफोटो लेंस है इसका जो एपर्चर है वो स्लाइटली जो है नैरोअर है 12 Pro Max के मुकाबले, तो हो सकता है लो लाइट में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करे टेलीफोटो लेंस, लेकिन पोर्ट्रेट शॉट्स वगैरह जो है इससे अच्छे आ सकते हैं। लेकिन दोस्तों अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और वाइड एंगल कैमरा जो है इसका एपर्चर एप्पल ने थोड़ा वाइड किया है जिसकी वजह से लो लाइट शॉट्स बेटर आएंगे। अब यहाँ पे जो नया चिपसेट आया है गाइज उसकी मदद से आपको फोटोग्राफी के अंदर कुछ नए मोड्स देखने मिलते हैं जो कि यहाँ पे आपको देखने मिल जाएंगे। ये किसी भी iPhone 12 सीरीज पे नहीं आएगा, ये स्टैंडर्ड मोड है यहाँ पे। इसके बाद आपको देखने मिलता है रिच कॉन्ट्रास्ट मोड, उसके बाद आपको यहाँ पे वाइब्रेंट मोड देखने मिलता है, और उसके बाद वार्म मोड है और यहाँ पे कूल मोड है। ये जो है आपके इमेज की वाइब्रेंसी को चेंज करेंगे जब आप फोटो लेंगे, उस वक्त ही आप उसको जो है बिफोर टेकिंग द पिक्चर एडिट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं दोस्तों सिनेमैटिक वीडियो मोड। तो ये सिनेमैटिक वीडियो मोड में क्या करता है आइए आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बताता हूँ मैं। तो गाइज अभी हम लोग जो है सिनेमैटिक मोड चेकआउट कर रहे हैं iPhone 13 Pro Max का। यहाँ पे देख सकते हैं ये लड़का जो है फ्रेम में खड़ा हुआ है और इसका जो बैकग्राउंड है इसने ब्लर कर दिया है। अभी यहाँ पे जो है इसको मैं बोलूंगा अपने राइट साइड पे आगे जो है बढ़ जाए, तो ये यहाँ पे जाता है, तो यहाँ पे इसका फोकस जो है चेहरे पे मेंटेन है। अभी एक दूसरा जो कैरेक्टर है हमारी फिल्म का वो यहाँ पे एंट्री करते हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे किस तरीके से जो है उन पे फोकस शिफ्ट होता है। अभी ये थोड़ा पीछे जाएंगे तो यहाँ पे जो है दोस्तों इनके ऊपर फोकस कर रहा है और पीछे जो दूसरा बंदा है उसको उसने ब्लर कर दिया है। अब ये जो आगे खड़ा है बंदा ये उसकी तरफ मुड़ेगा, पीछे देखेगा, और जैसे ही ये मुड़ेगा उसकी तरफ पीछे देखेगा तो ये यहाँ पे जो पीछे खड़ा हुआ लड़का है इसके ऊपर उसने कर दिया है फोकस। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि कितना जो है इंटेलिजेंट है ये सिनेमैटिक मोड। इसके अलावा दोस्तों जो फ्रंट और रियर फेसिंग कैमरा की जो फोटोज है उसके अंदर आपको HDR4 का सपोर्ट मिलता है iPhone 13 Pro Max में, जबकि iPhone 12 सीरीज में HDR3 का सपोर्ट है। तो स्लाइटली जो है बेटर हायर डायनामिक रेंज वाले फोटोज आप इससे निकाल सकते हैं। बैटरी लाइफ के बारे में दोस्तों मैं इतना ही बोलना चाहता हूं कि एप्पल कभी भी अपना एमएएच कैपेसिटी नहीं बताता, बाद में पता किया जाता है वो टेस्ट के जरिए से। तो यहाँ पे दोस्तों जो iPhone 13 Pro Max है इसकी जो बैटरी कैपेसिटी है वो बताई जा रही है कि तकरीबन जो है 4000 mAh की है, कंफर्म करना पड़ेगा आगे जाके, लेकिन इतना पता है कि 2.5 घंटे का ज़्यादा बैटरी लाइफ देगा ये iPhone 12 Pro Max के मुकाबले। iPhone 12 Pro Max ऑलरेडी जो है काफ़ी ज़्यादा बैटरी लाइफ के आता है और वहीं पे 13 Pro Max जो है उसको भी एक्सेल करता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइड्स, अगर आपको फिजिकल सिम इस्तेमाल ही नहीं करना है तो यहाँ पे जो है डुअल eSIM भी आप सेटअप कर सकते हैं। 12 Pro Max जो सीरीज है या 12 सीरीज है उसके अंदर एक फिजिकल सिम एक जो है eSIM लगा सकते हो, इसके अंदर आप डुअल eSIM लगा सकते हो, फिजिकल की बिल्कुल भी आपको जरूरत नहीं अगर आप चाहते हो वैसा करना तो, लेकिन मैं तो वो चीज जो है रेकमेंड नहीं करूंगा। तो दोस्तों ये थी अनबॉक्सिंग और एक क्विक लुक iPhone 12 Pro Max के जुड़वा भाई iPhone 13 Pro Max की। कैसा लगा आपको iPhone 13 Pro Max, दोनों में कोई डिफरेंस लगा कि नहीं लगा, कि सिर्फ कैमरा के अंदर जो साइज का फर्क है वही फर्क आपको नजर आया, या फिर ये जो नॉच है दोनों का इसमें जो फर्क है ये छोटा सा यही आपको नजर आया? मुझे नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताइए क्या आप iPhone 12 Pro Max के ऊपर iPhone 13 Pro Max को प्रेफर करेंगे। अगर आपके पास ऑलरेडी iPhone 12 Pro Max है, क्या आप मेरे से पागल हो जो जाके ये फोन लेंगे? मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। उम्मीद तो गाइस वीडियो करते हैं एंड, नबील भाई के साथ मजा आया, 13 का अनबॉक्सिंग किया है, नबील भाई ने सरप्राइज भी दिए, इंडिया की पहली अनबॉक्सिंग थी हमारी, ठीक है, इंडिया में अभी तक किसी ने किया नहीं था, हमने किए, आपने किए, मैंने किया, और साथ में मिलकर हमने और कुछ किए जो आने वाला है जो कि सस्पेंस है। नबील भाई कुछ दिनों में आपको देखने मिलेगा, कुछ दिनों में देखने मिलेगा, तो ब्लॉग को करते हैं एंड। क्या बोलेंगे नबील भाई, कैसा एंड करेंगे नबील भाई के इसमें एंड करेंगे? मेरा तो यही बोलता हूँ, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा, पसंद आएगा उसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय, थैंक यू। नबील भाई से मिलकर अच्छा लगा, और नबील भाई की वीडियो देखो भाई, टेक्निकल वीडियो है, बहुत बेस्ट वीडियो बनाते हैं नबील भाई।